हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन। आप में से कुछ लोग शायद नोज़ की सर्जरी कराने का सोच रहे हैं, जिसको राइनोप्लास्टी बोला जाता है, और बहुत कंफ्यूज हैं क्या करें, कैसे कराएं, क्या हो सकता है, क्या नहीं होता है, क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि नोज़ की सर्जरी सच में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और उसको समझना आसान नहीं होता है। तो इसकी पूरी एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने एक सीरीज़ ऑफ टॉक बनाई है जो पूरी राइनोप्लास्टी के ऊपर है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि राइनोप्लास्टी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, राइनोप्लास्टी करने से पहले क्या क्या टेस्ट कराने ज़रूरी हैं, क्या क्या टेस्ट होने चाहिए, इसके बारे में हम कुछ डिटेल में आपको बताएंगे। फिर हमने कुछ टॉक्स बनाई हैं, अगर आपका चपटा नाक है तो क्या परेशानियाँ हैं चपटे नाक में, उसको ठीक करने के लिए क्या टेक्निक्स की जा सकती हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। एक पूरा टॉक हमने बनाया है सर्जिकल टेक्निक, जो डॉर्सल ऑगमेंटेशन, उसके बारे में क्या सावधानियां हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए करवाने से पहले, किन बातों को क्लैरिफाई करना चाहिए। एक टॉक हमने पूरी बनाई है क्रूकेड नोज़ के ऊपर, कि अगर आपका नाक टेढ़ा है तो आप कैसे उसको बेटर कर सकते हैं और क्या उन चीज़ों को ध्यान में रखना है सर्जरी कराने से पहले। एक टॉक हमारी है टिप प्लास्टिक के ऊपर, कि अगर आपको नोज़ की टिप को बेटर करना है तो हम क्या करें नोज़ की टिप को इम्प्रूव करने के लिए, क्या क्या टेक्निक्स हैं सर्जरी में की जाती हैं। हमारी एक टॉक सिर्फ इसी के ऊपर है कि एक नॉर्मल अच्छा नाक, एस्थेटिक नोज़ की क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, तो वो आप माइंड में रख सकें करवाने से पहले, करवाने के बाद, कि हमारे ये क्राइटेरियाज हैं कि हमारा नोज़ अच्छा लगे, बढ़िया लगे, तो वो नॉर्मल क्राइटेरियाज हमने एक टॉक में डिस्कस किए हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक सीरीज़ मैंने बनाई है, एक एजुकेशनल सीरीज़ पेशेंट्स के लिए, एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दो लाइव वीडियोस भी दिखाएं, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो क्रिएट करें और आपको दिखा सकें कि राइनोप्लास्टी की सर्जरी कैसे की जाती है। तो वी लाइक टू शेयर दैट ऑल्सो विद यू। सो फ्रेंड, ये सारा हमारी सीरीज़ में अवेलेबल है, यू कैन हैव अ लुक एट द सीरीज़ ऑन राइनोप्लास्टी विच आई हैव मेड, जिसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और इसके बावजूद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं खास करके राइनोप्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं, एंड वील ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन, केयरवेल मेडिकल सेंटर से।